आज सुबह मैं ऑलमोस्ट साढ़े नौ बजे उठा था फिर मैंने स्मार्टफोन को ऑन किया आ, लेकिन जो मेरा इंटरनेट पैकेज है वो ख़त्म था इसलिए मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक नहीं कर पाया मोबाइल की बैटरी भी लो थी फिर मैंने उसे चार्जिंग पे लगा दिया एंड फिर मैंने मुँह हाथ धोया ब्रश किया थोड़ी सी से में वॉक की उस दौरान अम्मी नाश्ता तैयार कर रही थी फिर मैंने नाश्ता किया नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं घर की सफाई कर लूँ फिर मैंने पहले ब्रश से घर को साफ़ किया उसके बाद मैंने मॉप लगाया जब मैं घर की सफ़ाई कर रहा था तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मैं ऑलमोस्ट पसीने में भीग गया था फिर मैंने सोचा मैं नहा लेता हूँ लेकिन मैं फिफ्टी फिफ्टी था कि गर्म पानी से नहाँ या फिर जो नॉर्मल टेंकी में पानी है ठंडा उससे नहाँ और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं गर्म पानी से ही नहाँगा और मैंने गर्म पानी रखा फिर नहाने के लिए लेकिन आधी बाल्टी पानी रखा था और ये फैसला मेरा बहुत ही गलत था जब मैं नहाने के लिए गया और गर्म पानी से जब मैंने नहाने की कोशिश की तो कुछ ज़्यादा ही गर्म था खैर उसको मैंने नीम गर्म पा करके पानी को फिर मैंने नहा ही लिया लेकिन जब मैं अभी नहा कर बाहर निकलूँ तो भी मुझे लग रही है शदीद गर्मी और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं फ़ैन नहीं चलाता और अभी फ़ैन भी, भी बंद है और मुझे देखें पसीना आ रहा है और एक और चीज़ भी हुई कल भी थोड़ी गर्मी थी तो कल मैंने रात को पहली दफ़ा पंखा लगाया और पंखा लगा के मैं सोया और आज भी मुझे लगता है पंखा लगा के सोना पड़ेगा क्योंकि आज भी ठीक ठाक गर्मी है और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे रूम में जाना पड़ेगा क्योंकि इधर जो है हालात अब ख़राब हो रहे हैं ये तंदूर बन जाता है रूम और अभी जो है मैं कंप्यूटर ऑन करूँगा और अपनी ईमेल चेक करूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने अपनी ईमेल चेक नहीं की ईमेल्स मैंने चेक कर लिए बट कोई भी न्यू ईमेल मुझे रिसीव नहीं हुई है रिसेंटली एक मैंने सीरीज़ को फिनिश किया है नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज़ अवेलेबल है इस सीरीज़ का नाम है आ मैन इन फुल ये एक बिज़नेस मैन के ऊपर सीरीज़ बनाई गई है जो कि थोड़ा एरोगेंट होता है ज़िद्दी होता है और उस बिज़नेस मैन ने ढेर सारा कर्ज़ा लिया होता है मुख्तलिफ़ बैंकों से प्रोजेक्ट्स के नाम पर लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं कभी स्टार्ट ही नहीं हुए होते और जो बैंकों से कर्ज़ा लिया होता है पैसों की सूरत में उस पैसे से ये बंदा याशी कर रहा होता है पार्टीज़ कर रहा होता है लाइफ को इन्जॉय कर रहा होता है फिर जो बैंक वाले होते हैं ऐसे कहते हैं कि भाई तुमने प्रोजेक्ट्स तो शुरू किए नहीं है तो जो हमारा कर्ज़ा है वो वापस दो और बड़ी अच्छी ये सीरीज़ है और इसकी जो एंडिंग है वो थोड़ी शॉकिंग सी थी आ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसकी एंडिंग वैसी होगी आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखना आपको बहुत मज़ा आएगा आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ जिस तरह की मेरी पहली रूटीन थी डेली वैसी मेरी डेली रूटीन नहीं रही मैं कुछ चीज़ों में बिज़ी हो गया हूँ और मेरे लिए चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एंड वीडियोस बनाना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मैं डेली वीडियोस नहीं बना पा रहा और वीडियोस जब मैं शूट करता हूँ उस पर भी टाइम लगता है फिर वीडियो एडिटिंग करता हूँ उस पर भी टाइम लगता है फिर यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ फेसबुक पे अपलोड करता हूँ उस पर भी टाइम लगता है और अक्सर इस तरह भी होता है कि जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ तो अक्सर जो मेरी साउंड है वॉइस है वो रिकॉर्ड ही नहीं होती और जब मैं मोबाइल के साथ रिकॉर्ड करता हूँ तब भी कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होती हालाँकि मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ करता हूँ मेरे पास तीन चार डिफरेंट एक्सटर्नल uh, mics हैं सब के साथ यही प्रॉब्लम होती है हालांकि सब माइक भी ठीक हैं मोबाइल भी ठीक है बट फिर भी कभी कभी जो मेरी वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं होती और मुझे री करना पड़ता है और जो सारा मोमेंटम है वो ख़राब हो जाता है एंड uh, इस दौरान वीडियो बनाने में टाइम लगता है और फिर एडिट करने में भी टाइम लगता है और कभी कभी जब मैं वीडियो को अपलोड कर रहा होता हूँ तो मेरा नेट जो है बहुत ही स्लो हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल डाउन हो जाता है और घंटों घंटों तक लगी रहती है वीडियो अपलोडिंग में फिर अपलोड होती है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेरा काम है मैं कुछ और चीज़ों में भी बिज़ी हूँ तो फिर मेरे लिए थोड़ा रोज़ डेली बेसिस पर वीडियोस बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा है तो मैंने यही सोचा है कि अब से मैं कुछ दिनों बाद ही वीडियोस को अपलोड किया करूँगा डेली बेसिस पे वीडियोस ना बनाऊँगा ना अपलोड करूँगा वीडियोज़ को शेयर करना बंद नहीं करूँगा लेकिन थोड़ा सा गैप देख वीडियोस को सोशल मीडिया पर मैं शेयर किया करूँगा इस तरह से जिन चीज़ों में मैं बिज़ी हूँ और वीडियो शूट करना एडिट करना अपलोड करना इन चीज़ों को मैं फिर सही तरीके से मैनेज कर पाऊँगा और एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि मैं मूवीज़ और सीरीज़ बहुत देखता हूँ नेटफ्लिक्स पर मेरे पास मूवीज़ या सीरीज़ देखने का भी आजकल टाइम नहीं होता मैं ऑलमोस्ट सात या आठ बजे जाकर रात को फ्री होता हूँ और अगर मैं थोड़ा सा वर्कलोड अपने ऊपर से कम करूँगा ख़ास तौर पे वीडियो बनाना एडिट करना अपलोड करना तो फिर थोड़ा सा मैं टाइम को सही तरह मैनेज कर पाऊँगा और थोड़ा सा फ्री टाइम भी निकाल पाऊँगा ताकि मूवीज़ या सीरीज़ देख कर थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश कर सकूँ खैर अभी एक इम्पॉर्टेंट काम है मैं उसको करने वाला हूँ और ये भी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में